हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई है। कादम्बिनी, भारत ने एक जेस्चर दिखाते हुए अपना जो एयर स्पेस है उस पर एक तरह से कह सकते हैं कि सेफ पैसेज दिया है शेख हसीना को। भारत के जो मैत्री संबंध हैं बांग्लादेश के साथ वो किसी से छुपे नहीं, सब जानते हैं कि भारत हमेशा से बांग्लादेश के हर दुख दर्द में साथ रहा है। ऐसे में अब भारत की भूमिका क्या होगी और शेख हसीना को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या उनसे कोई मुलाकात का कोई कार्यक्रम है या फिर वो यहाँ से कहीं आगे की यात्रा करेंगे? देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उनका यहाँ किसी से कोई मुलाकात का अभी कोई भी यहाँ पर कोई प्रोग्राम नहीं है। और यहाँ जो गाज़ियाबाद में वो हिंडन एयरबेस पर उनका विमान उतरा है वहाँ से ही वो सीधा जाएंगी। लेकिन भारत जो है, अगर भारत की बात करें तो भारत को ये पैसेज शायद देना ज़रूरी था, क्योंकि आपको याद है कि पहले भी जब बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई हुई थी उस वक्त किस तरह से भारत इन्वॉल्व था ये सबको पता है। उसके बाद लगातार शेख हसीना भारत को अपना दूसरा घर मानती रही हैं, काफ़ी वक्त तक यहाँ एग्जाइल में वो रही थी, तो ये कम से कम इतना करना ज़रूर भारत का बनता है, क्योंकि भारत के लिए दो चार चीज़ों को बैलेंस यहाँ करना ज़रूरी है। शेख हसीना से बहुत बेहतर रिश्ते रहे हैं, अभी वो आई थी जब स्वेरिंग इन समारोह हुआ था, उसके बाद स्टेट गेस्ट के तौर पर वो पहली इंटरनेशनल गेस्ट थी जो कि भारत आई थी, तो शेख हसीना से बहुत बेहतरीन रिश्ते हैं। उनके वक्त में बांग्लादेश भी थोड़ा जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा लिबरल हुआ, तो वो भी एक भारत के लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अब जब वो यहाँ से निकलेंगी उसके बाद भारत को ये देखना ज़रूरी होगा कि वहाँ पर बांग्लादेश में क्या हो रहा है। भारत अभी सिर्फ देख सकता है, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो किसी प्रकार से उसमें हाथ नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये एक आंतरिक मामला भी है, दूसरा भारत इसमें उलझना भी नहीं चाहेगा। लेकिन आपको भी पता है भारत के वहाँ पर बड़े इन्वेस्टमेंट्स हैं, भारत लगातार चाहे ट्रेन हो, चाहे बाकी जो चाहे बिजली का हो या फिर बाकी किसी भी प्रकार की चीज़ें जो हैं उसमें कई MOUs कर चुका है और काफ़ी मदद कर रहा है बांग्लादेश की। भारत चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट, जैसे अफगानिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है उसको भी भारत देखता रहा है तालिबान की सत्ता में होने के बावजूद, इसी तरह बांग्लादेश में भी फिलहाल वो देखेगा, ऑब्जर्व करेगा और चाहेगा कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसको उसी तरह से वहाँ पर देखा जाए और अगली जो सरकार आए, इंटरिम गवर्नमेंट के बाद जो सरकार आए उससे वो बेहतर रिश्ते किस प्रकार से बना के रख सकता है ये भी देखना होगा, क्योंकि एंटी इंडिया सेंटिमेंट वहाँ पर लगातार भड़क रहा है। चाहे वो चुनाव की बात हो, उस समय भी बार बार भारत पर आरोप लगाया गया कि भारत जो है उसमें दखलंदाजी कर रहा है, शेख हसीना का सपोर्ट कर रहा है, जबकि भारत लगातार कहता रहा है कि वो किसी भी आंतरिक मामले में किसी देश के दखल नहीं देता है। तो अभी कई सारी चीज़ें जो है वो अनडिफाइंड है। इस बीच ये खबर आ रही है कि शेख हसीना, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना ने UK में असाइलम मांगा है और यहाँ से हिंडन गाज़ियाबाद बेस से वो सीधा UK ही जाएंगी, यहाँ पर अभी तक उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी कादम्बिनी शर्मा की ओर से मिल रही है कि असाइलम मांगा है UK में और यहाँ से वो सीधे लंदन भी जा सकती हैं हिंडन एयरपोर्ट से।